आई एम ज्योति। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड टेंस व्हिच इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं और इसकी मैं दो वीडियोस बनाऊंगी। फर्स्ट वीडियो में अभी जो मैं आपको बताऊंगी इंट्रोडक्शन दूंगी, व्हेन टू यूज यानी कब इसको यूज करना है, हाउ टू यूज मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस, और इस स्ट्रक्चर में मैं आपको तीनों टाइप के सेंटेंसेस बताऊंगी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मेरी जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कुछ एक्सेप्शन बताऊंगी और स्पेलिंग चेंजेस, जैसे कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताई थी, कुछ कॉमन मिस्टेक्स और एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ अपना न्यू टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इट इज आल्सो कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस। इसकी पहचान होती है इसके सेंटेंसेस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए आदि लगाते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल्स। मैंने काम किया, आई वर्क, इसके सेंटेंस के लास्ट में आ लग रहा है, यानी कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर्क, वर्क की सेकंड फॉर्म होती है वर्क, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्क की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। याद करिए स्टूडेंट्स, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज की थी? वर्क की फर्स्ट फॉर्म, और उसके फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाया था। वहां पर हम देखते थे सिंगुलर है तो ऐसे यस लगेगा, प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं देखना, सब में सेकंड फॉर्म लगेगी, इधर सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने से कोई भी इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं इस घर में रहता था, ता था, इससे ये सेंटेंस लास्ट हो रहा है। आई लिव्ड, लिव्ड की सेकंड फॉर्म लिव्ड, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं इन दिस हाउस। नेक्स्ट, उसने कल मुझे एक पेन दिया, ही गेव मी अ पेन यस्टरडे, लास्ट में क्या लग रहा है? या, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन टू यूज सिंपल पास्ट टेंस, कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, जो भी एक्शन हमारा पास्ट में हुआ है वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। जैसे हरी कॉल्ड मी लास्ट वीक, हरी ने मुझे लास्ट वीक बुलाया, इसमें लास्ट वीक शो करता है कि ये एक्शन पास्ट में हुआ है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी ये शो करती है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। विद टाइम एक्सप्रेशन मैंने यहां लिखा है, दिस इज लास्ट वीक इज द टाइम एक्सप्रेशन, यानी कि हम टाइम एक्सप्रेशन के साथ लास्ट वीक, जैसे लास्ट वीक हम लोग पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं, जैसे लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे, इसी टाइप से हम लोग यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। जहां भी हमें पास्ट का टाइम एक्सप्रेशन लगाना होता है वहां पर हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यूज होता है। अच्छा, अब हम इसके बिना भी यूज कर सकते हैं, जैसे द कारपेंटर मेड अ चेयर, कारपेंटर ने कुर्सी बनाई, ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है। अगर हमने कुछ भी नहीं लगाया यस्टरडे, मतलब हमें इससे मतलब नहीं है उसने कब बनाई, लास्ट वीक, यस्टरडे, मैंने किसी को बताया कारपेंटर ने कुर्सी बनाई, तो वो समझ जाएगा मेरा पास में ये काम हुआ है या हो चुका है। इसके बाद आते हैं मैनी एक्शंस। इसका मतलब होता है जो हम एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा एक्शंस की या एक से ज्यादा वर्ब होने की बात करते हैं। यहाँ पर आपने देखा सिर्फ एक ही वर्ब के बारे में पता चल रहा है, हरी कॉल्ड मी एंड कारपेंटर मेड अ चेयर। अब जैसे मैं इसमें बोलती हूँ, वी वेंट टू पार्क, वी प्लेड द गेम, वी एंजॉयड विद ईच अदर, इस सेंटेंस को मैं कंबाइन कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। वी वेंट टू द पार्क, प्लेड द गेम एंड एंजॉयड विद ईच अदर, यानी कि हम पार्क गए, वहां पर हमने गेम खेला और वहां पर हमने एक दूसरे के साथ एंजॉय किया। मुझे बार बार सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे एक्शन जो एक से ज्यादा हमें एक्शन बताने हो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं, बजाय ये थ्री सेंटेंसेस हमने एक ही सेंटेंस में कंबाइन कर दी है। तो इसी टाइप से पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। और याद रखिएगा इसमें यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या फिर हमें ऑन मंडे बताना है, जैसे लास्ट वीक ऑन मंडे, इस टाइप से यूज होते हैं। लाइक राम प्लेड यस्टरडे, राम कल खेला, या राम प्लेड हॉकी यस्टरडे, या आई
finished my work on Monday. मैंने मंडे को अपना काम फिनिश किया. तो मैं टाइम एक्सप्रेशन के बारे में आपको बता रही हूँ. या आई फिनिश माई वर्क लास्ट वीक या यस्टरडे. इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का हम यूज करते हैं. नाउ हाउ टू यूज मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस. सबसे पहले सेंटेंसेस थ्री टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ. अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, जो कि नेगेटिव नहीं होते, जिसमें सीधा सिर्फ आंसर दिया जाता है और कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता. नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट यूज होता है, जिसमें हम नेगेटिव में आंसर देते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मीन जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की. हम कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में. मैं इस स्कूल में पढ़ती थी. लास्ट में थी आ रहा है, तो अभी मैंने आपको इसकी जो पहचान बताई है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है. सबसे पहले मैंने यहां पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. बिल्कुल देखिए सेम है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कोई भी चेंज नहीं है. बस मेन वर्ब में क्या चेंज है, इसमें सेकंड फॉर्म यूज हो जाती है. लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, उसमें मेन वर्ब में एस या ईएस ऐड होता था या फर्स्ट फॉर्म आती थी अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल. मैंने पूरा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है. बाकी मैंने आपको उसमें भी यही बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कभी भी चेंज नहीं होता, बस जो मेन वर्ब है ना, या कभी हेल्पिंग वर्ब ऐड हो जाती है, इसका ही सब चीज होता है. इससे ही सेंटेंस पूरा चेंज हो जाता है, पूरा टेंस चेंज हो जाता है, हम लोग दूसरे टाइम में चले जाते हैं. सब्जेक्ट मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आई, मैं, वर्ब क्या है, पढ़ना, यानी स्टडी फर्स्ट फॉर्म है और स्टडीड इसकी सेकेंड फॉर्म है. इन दिस स्कूल, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा. तो सबसे पहले सब्जेक्ट उसने, सब्जेक्ट हम यहां ही भी ले सकते हैं, शी भी ले सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो वेदर इट इज जेंडर, इसका हमें नहीं पता फीमेल है या मेल, तो इससे पता नहीं चल रहा. तो हम शी भी ले सकते हैं, ही भी ले सकते हैं. उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा और उसके बाद मैंने क्या लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म. लिखना मतलब राइट, लेकिन राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट. तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, रोट. और ऑब्जेक्ट अ लेटर एड्रेस पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू हर फादर. मेन स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट और ये वर्ब, और वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट. आपको कभी भी ये नहीं दिखेगा ऑब्जेक्ट पहले आ गया, वर्ब लास्ट में चली गई. मेन स्ट्रक्चर यही होता है, हर टेंस में आपका यही फॉलो होगा, बस वर्ब में चेंज हो जाता है. सेकंड, नेगेटिव सेंटेंसेस. मैंने बस यहां पर अफर्मेटिव की जगह क्या लिख दिया है, नेगेटिव. नंबर सेकंड, नेगेटिव. अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब जिसमें नॉट यूज होता है, तो स्ट्रक्चर में भी बस मैं क्या लगा दूंगी, नॉट. लेकिन यहां पर अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी जैसे हेल्पिंग वर्ब छिपी रहती थी अफर्मेटिव में, एस या ईएस लगता था या फर्स्ट फॉर्म, और इधर भी सेकंड फॉर्म लगती है और छिपी रहती है हेल्पिंग वर्ब, हाइड रहती है. लेकिन नेगेटिव होते हैं वो बाहर आ जाती है. अच्छा, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे, डू एंड डस, और हमें देखना भी पड़ता था सिंगुलर प्लूरल ये सब. लेकिन इसमें कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा, इसमें केवल एक हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ये उससे भी इजी हो गया. सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब आएगी, मैं यहां लगा देती हूं, डिड नॉट. वहां पर लगता था डू नॉट और डज नॉट, यहां पर हमें कुछ भी चेक नहीं करना, एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड नॉट. और मेन वर्ब क्या हो जाएगी, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. क्यों, ऐसा मत कर देना कि डिड नॉट भी लगा दो और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज कर दो. नहीं, अब सेकंड फॉर्म तो इसके पास चली गई ना हेल्पिंग वर्ब के बाद, अब तो हमें मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म यूज करने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी. प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ऐसा ही होता था ना, एस या ईएस डू या डस के पास चला जाता था, तो हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म देखते थे, उसमें हम देखते ही नहीं थे. सेम आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है. अब मैंने इसको अफर्मेटिव में कैसे लिखा था, मैं इस स्कूल में
पर क्या लगा दूंगी, नहीं पढ़ती थी, नहीं पढ़ती थी। तो आई के बाद मैंने क्या लिखा है सब्जेक्ट के बाद, डिड नॉट। अच्छा और भी कोई चेंज होगा इसमें, आप देखिए डिड नॉट, यस ये सेकंड फॉर्म लगाई हुई है मैंने, तो सेकंड फॉर्म किसमें बदल जाएगी हमारी, स्टडी अपनी रियल फॉर्म में वापस आ जाएगा। मैं आपको इसलिए बता रही हूं जिससे आपको ये ना लगे इसका रूल अलग है, कुछ भी रूल नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट और वर्ब आप ध्यान रखिए, उसके बीच में हेल्पिंग वर्ब ऐड होती है, कभी हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाती है। उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा, नहीं लिखा, तो शी डिड नॉट। अच्छा अभी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा, ठीक है, यानी कि शी डिड नॉट राइट अ लेटर टू हर फादर। क्या डिफिकल्टी है इसमें, कुछ भी नहीं, एक सेंटेंस हमने सीख लिया अफर्मेटिव, उससे ही सब बनते जाएंगे। सर हर टेंस में यही सब चलेगा, मेन वर्ब चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, वो आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले पहचानना है कौन सा टेंस है, जिसकी पहचान मैं बता ही चुकी हूँ, लास्ट में इधर क्या लग रहा था, लिखा आ हो गया ना उसका। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। अभी ये वाला कौन सा इंटरोगेटिव है, सिंगल, इसका मतलब जो यस और नो टाइप सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर हमें कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती, उसका आंसर अगर हम यस या नो में देंगे तो भी समझ आ जाता है। और इसकी शुरुआत कैसे होती है, हिंदी में इसकी शुरुआत हम करते हैं क्या से, क्या से सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने ये किया। अगर मैं इसको ऐसे भी बोल दू क्या तुमने खाना खाया, यस, तो इसका मतलब जो मुझसे क्वेश्चन कर रहा है वो समझ जाएगा कि हाँ मैंने खाना खा लिया है, मुझे पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं नहीं बोलना चाहूं, और नहीं खाया होगा तो नो। तो इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं यस और नो टाइप सेंटेंसेस। और ऐसे सेंटेंस को जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में फॉर्म करते हैं तो इनकी स्टार्टिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, यानी कि डिड से होती है। इसमें क्या के लिए क्या यूज होता है, डिड यूज होता है। जैसे स्ट्रक्चर देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड हमने यूज करा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, अफर्मेटिव में ही करेंगे केवल, क्योंकि उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते। यहाँ पर डिड जो है हमारी सेकंड फॉर्म है, डू की, यही बन गई सेकंड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप एक चीज नोटिस करिए, अगर मैं इस डिड को हाइड कर दू तो बन रहा है ना सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट सेम रहा ना। मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब इधर से उधर हो जाती है शेप, मेन वर्ब में चेंज हो जाता है लेकिन स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। चलिए देखते हैं, क्या तुम कल स्कूल गए, तो सबसे पहले डिड, ठीक है, यस और नो टाइप सेंटेंस है, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, डिड। इसके बाद मैंने क्या लिखा, से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब यू, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म अभी बताया, वेंट मत कर देना, बहुत ही कॉमन मिस्टेक हो जाती है ये, आप लोग जो बहुत ही ज्यादा मिस्टेक इसमें करते हैं, डिड यू वेंट, नो कंप्लीटली रॉन्ग। यहाँ पर डिड यूज हो गया है सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर नहीं करेंगे। डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, और कल, कल के लिए हमने यूज किया यस्टरडे, क्योंकि पास्ट है ना, पास्ट में यस्टरडे के लिए क्या यूज होता है, कल के लिए यस्टरडे। और अगर ये फ्यूचर होता तो कल के लिए क्या यूज होता, टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल, यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, यानी कि पास्ट। क्या उसने कल मैच खेला, डिड ही प्ले, फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, मैच यस्टरडे, सिंपल। अच्छा लेकिन इसमें नेगेटिव भी तो हो सकता है, ठीक है, अगर यही इंटरोगेटिव भी हो और नेगेटिव, तो हम नॉट का यूज करेंगे, उसमें तो हम डिड नॉट एक साथ लगा देते, क्या इसमें भी एक साथ लगाएंगे, डिड नॉट, नो। ये भी बहुत मिस्टेक होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंटरोगेटिव में अगर नेगेटिव आता है, चाहे वो डबल इंटरोगेटिव हो, जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं बल्कि सब्जेक्ट के बाद लगता है। नेगेटिव में डिड नॉट एक संग आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद आएगा। देखिए यानी कि नॉट कहां आएगा, इसमें इधर आएगा, ये नॉट हो गया सब्जेक्ट के बाद। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी इंटरोगेटिव हो, कोई भी टेंस हो,
हमेशा आपको नेगेटिव अगर इंटरोगेटिव में यूज करना है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही करना पड़ेगा। क्या तुम पर स्कूल अड्रेस में सपोज कोई भी सेंटेंस लॉजिकली शायद नहीं हो, लेकिन मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए इसमें बता रही हूं, नहीं गए तो डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, क्या उसने कल मैच खेला, क्या उसने कल मैच नहीं खेला। ठीक है, अब आप नेगेटिव भी लगा देंगे तो कहां लगाओ नॉट। अब आप लोग ये वाला खुद बताइए, डिड नॉट ही लगा दू। नो no, अभी अभी देखो स्ट्रक्चर भी आपके सामने लिखा है और मैंने बताया भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी मैंने यही बताया था, हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, मेन वर्ब कोई भी हो, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा अगर इंटरोगेटिव है। डिड ही नॉट प्ले मैच यस्टरडे, तो ये आपका हो गया, फिनिश हो गया था यस और नो टाइप सेंटेंसेस हम इन्हें बोलते हैं इंटरोगेटिव। हम बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। अभी हमने जो पढ़े थे वो थे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी यस और नो टाइप सेंटेंसेस जिनका आंसर हम केवल यस और नो देकर भी कर सकते हैं। लेकिन डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड लगा होता है, इसका आंसर हमें पूरा ही करना पड़ता है, यानी जो WH फैमिली होती है उसका कोई ना कोई मेंबर उसमें लगा होगा जो उनसे क्वेश्चन करेगा। WH फैमिली थी वेयर व्हिच हु व्हेन व्हाई हाउ मच हाउ मेनी हूज, मतलब ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, इनसे हमें पता चलता है क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जो सिंगल इंटरोगेटिव में आपने क्या पढ़ा था, अगर हम ये हटा दें डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है बस वो इधर लग जाता है, बाकी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम रहेगा जैसे कि हमने सिंगल इंटरोगेटिव में पढ़ा था। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, तुम्हारा भाई कल कहाँ गया, कल कहाँ, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढो उसमें जो है कहाँ यानी वेयर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट है तो लगाना है, और कल के लिए यस्टरडे, टुमारो नहीं यस्टरडे क्योंकि बीता हुआ कल। अच्छा अगर हम इसमें नेगेटिव भी लगा दे तो देखते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव भी है तो उसमें नॉट का लगेगा, मैंने पहले भी आपको बताया है अगर इंटरोगेटिव में नेगेटिव आता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट नहीं लगता बल्कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। कभी भी ये मिस्टेक मत करना, ये मिस्टेक्स बहुत होती है, यहाँ पर स्टूडेंट्स नॉट लगा देते हैं इसलिए मैं बार बार बता रही हूं। तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेले, वाई क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा, हेल्पिंग वर्ब डिड और सब्जेक्ट यू, देखिए और सब्जेक्ट के बाद क्या आया है इधर नॉट, और इसके बाद वर्ब विद मी ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से मैं बताती हूं, वाई ठीक है डिड यू, पूरा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, कभी भी ये मत कर देना मैं आपसे यही कह रही थी वाई डिड नॉट यू, नो दिस इज रॉन्ग, हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है, ये बात आप ध्यान रखना, ये मिस्टेक बहुत होती है। इस वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन हाउ टू यूज और व्हेन टू यूज अच्छे से बता दिया है, पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से बता दिया है, तीनों सेंटेंसेस आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, और मेरी मेल आईडी पर मुझे मेल कर आप पूछ सकते हैं, मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो फ्रेंड्स इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, साइड में जो बेल आइकन बटन होता है ना उसको जरूर प्रेस कीजिए, इससे क्या होगा जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगी आपकी नोटिफिकेशन में आ जाएगी और इससे कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी और टेंस सीखने में आपको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। तो अब कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, उसमें भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस से ही हम स्टार्ट करेंगे लेकिन एक्सेप्शंस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनेट टेंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।